तो भाई अगाथा ऑल अलॉन्ग में अगाथा को नेकेड देखने के बाद अब देखो और क्या क्या देखना बचा है। याद करो 1986 में मैंने आपको बताया था कि ह्यूज जैकमैन ने मार्वल के सामने ये कंडीशन रखी थी कि मार्वल अगर उन्हें सीक्रेट वॉर्स में लाना चाहता है वुल्वरीन के रोल में फिर से डेडपूल एंड वुल्वरीन के बाद, तो उनकी ये कंडीशन है कि वो सीक्रेट वॉर्स में तभी आएंगे जब उसमें आरडीजे होंगे और टोबी मैग्वायर का स्पाइडरमैन होगा क्योंकि वो इनके साथ इंटरैक्ट करना चाहते हैं। तो भाई कॉमिक कॉन में मार्वल ने आरडीजे का डीजे बजाकर ह्यूज जैकमैन की आधी कंडीशन तो फुलफिल कर दी, बची आधी यानी टोबी मैग्वायर का आना, तो इनका आना भी लगभग तय है। इस पर भी मैं आपको पहले भी अपडेट दे चुका हूँ, आज फिर से दूंगा। लेकिन इन सबसे बड़ी जो हॉटेस्ट अपडेट है गाइस वो ये है कि हमें सीक्रेट वॉर्स में ह्यूज जैकमैन के वुल्वरीन, टोबी के स्पाइडरमैन के साथ साथ निकोलस केज का ओजी घोस्ट राइडर भी देखने को मिलने वाला है। पूरी अपडेट क्या है एक एक चीज आपको डिटेल में बताता हूँ। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु, चाय ले लो, नमकीन ले लो, मोबाइल रखो सामने एंड मजा लो इन ऑसम अपडेट्स का। देखो नो वे होम में मार्वल ने एक तरह से एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें वो पुराने जो स्पाइडरमैन के विलन्स थे और जो पुराने हीरोज थे उन्हें वापस लाया था और इसी वजह से नो वे होम वाज अ ह्यूज सक्सेस। आप खुद ही सोचो, स्पाइडरमैन की पहली मूवी स्पाइडरमैन होम कमिंग और उसके बाद दूसरी मूवी फार फ्रॉम होम, इन दोनों का लेवल क्या था और उसके बाद जब नो वे होम आई थी उसकी हाइप क्या थी, उसका लेवल क्या था। तो यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हो कि मार्वल का ये जो पुराने कैरेक्टर्स को लाना, सॉरी पुराने एक्टर्स को लाना, ये जो एक तरह का कह सकते हो एक्सपेरिमेंट था या जो भी कह लो, ये पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। और उसके बाद तो भाई मार्वल मूवीज में कैमियोस की झड़ी लग गई, एक के बाद एक कैमियो, एक के बाद एक कैमियो। अभी लेटेस्ट एग्जांपल है डेडपूल एंड वुल्वरीन का, जिसमें क्रिस इवांस का ह्यूमन टॉर्च सिलेंडर की तरह फट पड़ा और तो और वेस्ली स्नाइप्स का ब्लेड भी आया। और यस अगेन ये मूवी भी 1 बिलियन प्लस डॉलर्स की कमाई को क्रॉस कर गई। सो गाइस अब एक अपडेट ये आ रही है कि मार्वल ने ह्यूज जैकमैन के वुल्वरीन एंड टोबी के स्पाइडी को एक ही मूवी में लाना ऑलमोस्ट कंफर्म कर लिया है। और टू बी ऑनेस्ट ये कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है, मैंने आपको 2-3 महीने पहले ही बता दिया था। इवन डेडपूल ने भी डायरेक्टली इशारे इशारे में मूवी में ये बोल दिया था कि डिज्नी वाले वुल्वरीन को 90 साल की एज तक चूसेंगे। तो समझदार के लिए इशारा काफी और आयरन हार्ट के लिए चारा काफी। सो ये जो रिपोर्ट है वो ये कहती है गाइस कि सीक्रेट वॉर्स में ना सिर्फ हमें ह्यूज जैकमैन का वुल्वरीन मिलने वाला है, ना सिर्फ हमें टोबी मैग्वायर का स्पाइडरमैन फिर से देखने को मिलने वाला है, बल्कि इनके अलावा हमारा फेवरेट ओजी घोस्ट राइडर भी देखने को मिलने वाला है, यानी निकोलस केज वाला घोस्ट राइडर, वो एजेंट्स ऑफ शील्ड वाला नहीं, निकोलस केज वाला। लेकिन गाइस अब ऐसा पॉसिबल कैसे है? वेल याद करो जो रूसो ने कॉमिक कॉन में कहा था कि देयर आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज इन मार्वल मल्टीवर्स, यानी मार्वल मल्टीवर्स में ऐसे ऐसे हीरोज एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें आप अलग अलग मूवीज में बचपन से लेकर अब तक देखते आए हो, लेकिन सीक्रेट वॉर्स में जब इन सारे हीरोज के, इन सारे कैरेक्टर्स के अपने अपने इंडिविजुअल यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जब डॉक्टर डूम मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करेगा, तो ये जितने भी हीरोज हैं, और सिर्फ हीरोज ही नहीं विलन्स भी, बट यहाँ पर आज विलन्स की बात नहीं, आज हीरोज की बात हो रही, तो जितने भी अलग अलग यूनिवर्सेस के हीरोज हैं ये सब के सब बैटल वर्ल्ड में आ जाएंगे। अब बैटल वर्ल्ड में आने के बाद जब ये एक दूसरे से मिलेंगे तो भाई ये समझ लो कि ए से लेकर जेड तक 26 लेटर्स हैं। अब इन 26 लेटर्स से जाने कितने अनगिनत वर्ड्स बने हुए हैं, ठीक है, कुछ उसी तरह से जितने भी हीरोज हैं, एक हीरो का दूसरे से मिलना, किसी और का किसी और से मिलना, ऐसी ऐसी पॉसिबिलिटीज है भाई जो हम और आप सपने में इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो सब हमें सीक्रेट वॉर्स में एक्चुअल में होता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक इसी सीरीज में निकोलस केज का जो घोस्ट राइडर है वो मल्टीवर्स के डिस्ट्रॉय होने के बाद बैटल वर्ल्ड में आएगा, दूसरे हीरोज के साथ इंटरैक्ट करेगा, मे बी उसकी कुछ हीरोज के साथ फाइट भी देखने को मिल सकती है। हालांकि ये जो कैरेक्टर था निकोलस केज का घोस्ट राइडर, वो इतना मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं था, काफी लाइक समझदार था और लोगों की बातें सुनता था, और यस ही इज गुड। हालांकि उसका जो जस्टिस का तरीका है वो बिल्कुल एक एंटी हीरो वाला है, जस्ट लाइक आर पनिशर, लाइक आर वेनम, बट जो भी है इज अ लॉट मोर मैच्योर देन देम। और भले ही अभी सुनने में किसी को अटपटा लग सकता है, किसी को अजीब लग सकता है, इवन किसी को इम्पॉसिबल भी लग सकता है, बट ये बताओ आपने कभी सोचा था कि आप थॉर को डेडपूल के ऊपर रोता हुआ देखोगे? नहीं सोचा था ना, बट ऐसा हुआ डेडपूल एंड वुल्वरीन में ऐसा हुआ। सो भाई ये तो सिर्फ एक इशारा था, एक ट्रेलर था जो डेडपूल एंड वुल्वरीन में हमने देखा। भाई एंडलेस पॉसिबिलिटीज है, That clearly means कोई भी character आ सकता है, किसी का भी आना नामुमकिन नहीं है। और अपडेट्स जैसा कि मैंने कहा, घोस्ट राइडर, वुल्वरीन और स्पाइडी तीनों की हैं। अब
इस सिनेरियो में एक प्रॉब्लम भी है, वो ये है कि जितने भी कैरेक्टर्स डूम्सडे में आएंगे या सीक्रेट वॉर्स में आएंगे, उनका आना तो ठीक है, लेकिन उनका ये जो रिटर्न होगा ये एक्चुअल में गाइस मीनिंगफुल होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि बस रैंडमली कहीं से भी किसी को मिला के घुसेड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल, डेडपूल एंड वुल्वरीन में ब्लेड का कैमियो था तो बहुत तगड़ा, लेकिन ब्लेड ने ये एक्चुअल में बताया कि उसके साथ हुआ क्या था। उसने बताया कि वो और इलेक्ट्रा भी बेसिकली ये दोनों मतलब टीवीए के टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ अग्री नहीं करते थे और टीवीए के अगेंस्ट फाइट करने वाले थे। दैट इज वाई टीवीए ने उन्हें प्रून करके द वॉइड में भेज दिया। यानी उन्होंने अपनी बैकग्राउंड स्टोरी भी बताई कि वो वॉइड में आए तो क्यों आए, डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में वो कैसे आए। इसीलिए इनका जो कैमियो था वो एक्चुअल में मतलब काफी ज्यादा सेंस बनाता था, काफी लॉजिकल था, मीनिंगफुल था। अब सेम डेडपूल एंड वुल्वरीन का एक दूसरा एग्जांपल देता हूं आपको। इसी में जो रेजिस्टेंस था यानी कैसेंड्रा टकली का जो गुंडों का ग्रुप था, उसमें लाइक आप सेबर टूथ का एग्जांपल ले लो, सेबर टूथ का कोई बैकग्राउंड हमें नहीं दिखाया गया कि वो कैसे वहां पर आया। मतलब कुछ तो बताना चाहिए, तो सबको पता गया टीवीए ने उसे प्रून किया होगा तो वो आया होगा, बट स्टिल थोड़ी बहुत लाइक बैकग्राउंड स्टोरी भी एक दो कैरेक्टर्स की दिखा देते, सबकी नहीं, एक दो मेजर कैरेक्टर्स की, तो सही लगता। तो ये जो रेजिस्टेंस ग्रुप था कैसेंड्रा टकली का, इसमें भाई एक से एक रैंडम कैरेक्टर भरे पड़े थे और मतलब किसी का भी बिल्डअप या बैकग्राउंड स्टोरी किसी की भी नहीं बताई गई थी। तो ये चीज़ देखने में थोड़ी सी अजीब ज़रूर लगी थी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी हीरो आता है, जो भी कैरेक्टर आता है, जो भी सुपर विलन आता है, उसका जो रिटर्न हो वो एक्चुअल में मीनिंगफुल रहना चाहिए। मतलब हाँ ठीक है, मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय होगा, सब आएंगे, बट कौन पर्टिकुलर कौन सा कैरेक्टर आ रहा है एंड क्यों रिटर्न मार रहा है, इसके पीछे एक बैकग्राउंड स्टोरी तो होनी चाहिए। अब देखो, वुल्वरीन तो ऑलरेडी रिटर्न मार चुका है डेडपूल एंड वुल्वरीन में, तो उसके लिए कोई बहुत लॉजिक वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम कहानी टोबी मैग्वायर के स्पाइडरमैन के साथ भी है, वो भी नो वे होम में रिटर्न मार चुका है और अपने यूनिवर्स में वापस जा चुका है, तो मतलब वो भी सही सलामत है। बचा कौन, गोस्ट राइडर। गोस्ट राइडर को देखे हुए मतलब यार बचपन में देखा था उसको और अब बचपन के होने वाले हैं, और अब जब वो सीक्रेट वॉर्स में या फिर लाइक डूम्सडे में आएगा तो भाई उसके पीछे मार्वल को ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वो ही क्यों रिटर्न मार रहा है। तो हल्का सा लाइक बिल्डअप देना पड़ेगा, हल्का सा, बिल्कुल ज्यादा नहीं, ताकि उसका ये जो रिटर्न है ये आइकॉनिक बन जाए और मीनिंगफुल भी बन जाए, एकदम रैंडम ना लगे। वही बात करें कि इनका जो रिटर्न होगा वो केवल सीक्रेट वॉर्स में ही होगा या फिर डूम्सडे में भी होगा, तो सीक्रेट वॉर्स में तो भाई कन्फर्म है होगा ही होगा, है ना, क्योंकि लाइक कॉमिक एक्यूरेट वगैरह भी देखना है, काफी सारी चीजें हैं। बट बात करें डूम्सडे की, तो इसमें काफी कुछ अनएक्सपेक्टेड और नई चीजें होने वाली हैं। तो डूम्सडे के मतलब डूम्सडे की जो कहानी है वो ज्यादातर तो आरडीजे के ही अराउंड रिवॉल्व करेगी, इवॉल्व नहीं करेगी सॉरी, लेकिन डूम्सडे का एंड आते आते एटलीस्ट किसी पॉइंट पर तो फोकस किसी और हीरोज वगैरह पर तो शिफ्ट होगा ना, तो वहां पर लाइक डूम्सडे के एंड में या फिर डूम्सडे के पोस्ट क्रेडिट सीन में, जैसे कि इन्फिनिटी वॉर में जब सब के सब सैंड हो गए थे, तो इन्फिनिटी वॉर में हमें कैप्टन मार्वल नहीं दिखाई गई, बट एश बनने से पहले जब फ्यूरी ने कैप्टन मार्वल को कॉन्टैक्ट किया, उसके बाद कैप्टन मार्वल हमें एक मेजर रोल में दिखाई दी। तो सेम कुछ इसी तरह से भाई डूम्सडे में ये तो होगा ही होगा कि डूम्सडे के एंड में या फिर उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में पूरे डिस्ट्रक्शन के बाद कई सारे ऐसे मतलब कई सारे या कुछ एक ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो हमें डेफिनेटली टीज किए जाएंगे कि ये सीक्रेट वॉर्स में आने वाले हैं, ताकि सीक्रेट वॉर्स की जो हाइप है भाई वो डूम्सडे से भी बड़ी हो जाए। सेम वही पत्ता खेलेगा यहाँ पर मार्वल जो उसने इन्फिनिटी वॉर के एंड में खेला था, हाइप बना दी थी, बहुत ज़्यादा हाइप बढ़ा दी थी एंड गेम की, और डेफिनेटली यार एंड गेम की हाइप इन्फिनिटी वॉर से भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा थी। तो सेम चीज़ यहाँ पर मार्वल फिर से करेगा, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सीक्रेट वॉर्स में तो भाई आएंगे ही आएंगे ये कैरेक्टर्स, डूम्सडे के एंड में भी इनका एक टीज या इनका एक बहुत छोटा सा अपीयरेंस दिख सकता है हमें दोस्तों। अब एक और चीज साथ में क्लियर करके चलता हूं गाइज, ये सब जो है ये अपडेट्स हैं, मार्वल इनसाइडर्स की अपडेट्स आती हैं, रिपोर्ट्स आती हैं, अलग अलग जो एक्टर्स वगैरह इंटरव्यूज देते हैं उनकी बातों को लाइक समझते हुए, सम अप करते हुए, उनका मीनिंग निकालते हुए कि किस तरफ उनका इशारा है, ये सब मिलाकर ही ये अपडेट्स वगैरह आती हैं। और जैसे जैसे डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स की डेट पास आती जाएगी गाइज, वैसे वैसे और नई नई अपडेट्स आती जाएंगी, बहुत सारी र्यूमर्स भी आएंगी, कुछ सही होंगी कुछ गलत भी होंगी, लेकिन ऐसी जितनी भी अपडेट्स आएंगी भाई पोस्टमैन बनकर मैं आपको सबसे पहले पहुंचाता रहूंगा। तो इसे लेकर बिल्कुल बेफिक्र रहो, बस बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि भाई आप भी जानते हो कि अल्टीमेटली एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स ये दोनों की दोनों क्रॉस यूनिवर्स इंटरेक्शन देने वाली मूवीज हैं। यानी जैसे कई सारे अलग अलग कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठकर आपस में मीटिंग करते हैं ना, कुछ उसी तरह से यहाँ पर कंट्रीज नहीं बल्कि डिफरेंट यूनिवर्सेस से लाइक हमारा
मेन 616 यूनिवर्स, डेडपूल एंड वुल्वरीन का 1005 यूनिवर्स, डॉक्टर स्ट्रेंज के इल्यूमिनाटी वाला 838 यूनिवर्स, ऐसे ही हजारों लाखों जो यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं मल्टीवर्स में, इनसे बहुत सारे मतलब लिटरली बहुत सारे हीरोज हमें बैटल वर्ल्ड में दिखने वाले हैं डूम्सडे के बाद। और सिर्फ हीरोज नहीं, विलन्स भी होंगे। विलन्स पर हालांकि अभी ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है, जैसे ही कोई अपडेट होगा बता दूंगा। प्लस ये सब जब एक ही जगह पर आएंगे तो बहुत ज्यादा कियोस तो होगा ही, बहुत सारे टेम्परेरी अलायंसेस भी देखने को मिलेंगे। और ऐसा नहीं कि हीरो एक तरफ विलन्स एक तरफ, बहुत से हीरोज ऐसे भी हो सकते हैं जो हीरोज को मतलब एक तरह से बिट्रे करके डूम के लिए काम करने लगे। वहीं कुछ विलन्स भी ऐसे हो सकते हैं जो अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए, खुद को पर्टिकुलरली बचाने के लिए डूम के अगेंस्ट चले जाएं और हीरोज के साथ आ जाएं। तो डेफिनेटली बहुत सारा केओस एंड बहुत सारे सरप्राइजेस हमें मिलने वाले हैं, स्पेशली सीक्रेट वॉर्स में। और ये सब देखना अपने आप में बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक होगा। मतलब हर एक मार्वल फैन की जो अपनी दबी हुई फैंटेसीज हैं भाई, वो सब की सब डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में सच होने वाली हैं। अब ऑल्दो हमें डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में एक्समैन, एवेंजर्स और मतलब दुनिया भर के सोलो हीरोज का एक अलायंस, एक टीम अप देखने को मिलेगा, बट लेट मी टेल यू गाइस, जो मेन फोकस होगा वो हमारे मेन 616 के हीरोज पर ही होगा, क्योंकि अल्टीमेटली भाई यही एमसीयू की सेक्रेट टाइमलाइन भी है। मल्टीवर्स सागा के पहले भी इसी पर मेन फोकस था और मल्टीवर्स सागा के बाद भी यही सबसे इंपॉर्टेंट टाइमलाइन रहेगी और इसी पर सारे हीरोज की कहानियां आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगी गाइज। सो ओवरऑल गाइज, बी रेडी फॉर ह्यू जैकमैन, वुल्वरीन, टोबी मैग्वायर, स्पाइडरमैन एंड मोस्ट एक्साइटिंग ऑफ ऑल ओजी घोस्ट राइडर। सो गाइज, आप इनमें से किसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो ये मुझे कमेंट करके बताओ। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे करके लाइक, चैनल को कर लीजिए सब, नोटिफिकेशन कॉल पर डालना भूलना मत, क्योंकि भाई बहुत अपडेट्स आ रही हैं लिटरली, अभी तो मतलब भर भर की डेली अपडेट्स निकल कर आ रही हैं। सो आप इनमें से कोई अपडेट मिस ना करो, इसके लिए चैनल को सब कर लो। सो बी सेफ गाइज, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।